मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रामशंकर वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तीन प्रदेशों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से विजय हासिल की है, उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी की विजय की खुशियां मनाई है। कल हम लोगों ने महमूदाबाद विधानसभा 151 में नगर मंडल महमूदाबाद बिस्मा रोड पे हम लोगों ने खुशी मनाई, जो हमारे नगर के कार्यकर्ता विधानसभा के कार्यकर्ता सब उपस्थित है, जो हमारे तीन प्रदेशों में सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। ये हम लोगों का भारी खुशी का एक माहौल बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। हम लोगों की जो सरकार की कार्यशैली है वो रसातल पे, जमीन पे, मतलब जो हम लोग काम करते हैं, इसमें हमारी जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो हम लोग बराबर ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर जो है उसका जो है सबको दिया जाता है। हर एक, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला भारत गैस हो, चाहे कनक उसका विद्युत कनेक्शन हो, चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक शादियां हो, हमारे यहाँ लगभग बहुत ही कई प्रकार के लाभ है हमारी पार्टी के, जो हम लोगों का एक नीचे स्तर तक प्रचार प्रसार लाइन में आखिरी लाभार्थी जो खड़ा है, हम लोगों का एक सिद्धांत है कि उसको ही लाभ मिलना चाहिए। ये तीन प्रदेशों में हुई विजय के बाद, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कैसा आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में यह जीत किस तरह से प्रभावी दिखेगी? हमें तो लग रहा है जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस समय वोटर चेतना का अभियान चल रहा है, वोटर चेतना के अभियान में हम लोगों ने हर एक बूथ पे, हर एक बूथ के घर पे जो नए वोटर्स हम लोग बना रहे हैं, नए मतदाता बना रहे हैं, उससे हम लोगों को लग रहा है कि 2024 हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं, हम 2024 भारी मतों से विजय बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, उसको लेकर के किस तरह से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है, लोगों से किस तरह से मिलने का रिजल्ट सामने आ रहा है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार कितने ज्यादा बहुमत हासिल करेगी इस पूरे देश में? हमें लग रहा है कि हमारी 80 में 80 सीटें भी पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रामशंकर वर्मा जी, जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि तीन प्रदेशों में हुई इस विजय के बाद में इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी।